हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल दी टैरोट वाइब्स। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आने वाले 15 दिन आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए कैसे रहने वाले हैं। सो ये रीडिंग होने वाली है 16 सितंबर टू 30 सितंबर। इन 15 दिनों में आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या होने वाली है। सो गाइस, अगर आपकी सन मून राइजिंग सजिटेरियस है यानी कि धनु राशि है, सो रीडिंग आपके लिए है, ज़रूर देखिए। ओके, सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, टेन ऑफ स्वॉर्ड, की फाइव ऑफ स्वॉर्ड, सेवन ऑफ कप्स, OMG। सो सजिटेरियस, आपके लिए आने वाले 15 दिन बहुत नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव। सो हम आपके पार्टनर के लिए देख लेते हैं। आपके पार्टनर के लिए आने वाले 15 दिन कैसे रहेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, एट ऑफ वॉन्ड एंड द होमिट। सो दोस्तों, आपके लिए ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आने वाले 15 दिन। सो अगर आपके लिए हम थर्ड वीक देखते हैं सितंबर मंथ का, सो गाइस बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके आसपास में दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में हो, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, आप सब कुछ छोड़कर आगे मूव ऑन करना चाहते हो बट आपसे हो नहीं रहा है, आप कर नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा है, कुछ मेजर चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। कहीं ना कहीं आपको अपने पास्ट की चीज़ों को ज़बरदस्ती छोड़ना पड़ रहा है, पास्ट के लोगों को, पास्ट की कुछ ऐसी यादें हैं जिसे आपको ज़बरदस्ती छोड़ना पड़ रहा है, और इन सब चीज़ों की वजह से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका कुछ बहुत मेजर लॉस हुआ है, या फिर कुछ लोगों बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में हैं, किसी ने बिट्रेल किया है। सो गाइज, आपकी जो एनर्जी है ना आने वाले पंद्रह दिनों में ना आपकी सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रही है, बहुत सारी नेगेटिविटी है आपकी तरफ। सो गाइज, अगर आप कुछ भी नया करना चाहते हो, सो प्लीज़ आपको वेट करना चाहिए, ये टाइम बीत जाने दीजिए, फिर कुछ नया शुरू कीजिए, किसी चीज़ पर एक्शन लीजिए, बिकॉज इस वक्त आपके आसपास में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। सो आपको इस वक्त कुछ भी पॉजिटिव नहीं करना चाहिए। ओके, एंड यहाँ पर अगर आपके पार्टनर के लिए देखा जाएगा, सो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश हैं, हैप्पी हैं, उनकी लाइफ में कुछ नया होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका और आपके पार्टनर का सेपरेशन है, कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है टोटली। सो यहाँ पर आपके पार्टनर कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नए लोगों के साथ घुल मिल रहे हैं, कुछ नए रिलेशनशिप्स बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ नए रिश्ते बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड इनमें आप कहीं पर भी नहीं हो, जिसकी वजह से भी आपकी ऐसी सिचुएशन है। सो यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा खुश हैं, हैप्पी हैं, और उनकी यादों में, उनके लाइफ में आप बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे। ओके, सो गाइज़, आपके लिए तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी इस वक्त है। एंड आपके लिए अगर फोर्थ वीक देखें, तो फोर्थ वीक में कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ छुपाते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा आप अग्रेसिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप्स को, सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लेते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, कन्फ्यूज्ड हो, अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो। एंड अब आप किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हो। आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएगी, बट आप किसी पर भी ट्रस्ट करना नहीं चाहते। ऐसा कह सकते हैं कि आप
टोटली अंदर से पूरे ड्रेन हो चुके हो, फीलिंग्स आपकी पूरी तरह से मर चुकी है दूसरों के लिए, जिसकी वजह से अब आप किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हो। सो गाइज, आपकी एनर्जी आने वाले 15 दिन में बहुत बुरी होते हुए दिखाई दे रही है। सो प्लीज़ आपको काम डाउन रहना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, फोकस करना है, मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप, ओके। एंड थोड़ा सा काम डाउन रहिए, पेशेंस रखिए, आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके पार्टनर बहुत स्पीड से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ में। स्टेबिलिटी है उनकी लाइफ में, करियर में बहुत कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों के होते हुए भी कहीं ना कहीं हर्ट हैं, बुरा फील कर रहे हैं। सब कुछ है उनकी लाइफ में बट फिर भी वो अकेला फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें ये सब चीज़ें पता है कि उनकी वजह से आप हर्ट हो, उन्होंने आपको हर्ट किया है, आपकी फीलिंग्स को उन्होंने हर्ट किया है। सो इन सब चीज़ों का रिग्रेट आपके पार्टनर को 4th वीक में होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले रहे हैं। एंड आपको गाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना है आने वाले 15 दिनों में, बिकॉज यहाँ पर आपको ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, और आपको स्ट्रांग रहना है, पेशेंस रखना है, ओके ओके गाइज। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।